हेलो फ्रेंड, आज हम बात करें हिप जॉइंट के फ्रैक्चर के बारे में। क्या आपको हिप जॉइंट का फ्रैक्चर कैसे होता है, फ्रैक्चर होने पर यहाँ पर कौन से प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है और कौन से इम्प्लांट डाले जाते हैं, उसके अलावा हमारा जो हिप जॉइंट का फ्रैक्चर होता है ये कितने दिन में जुड़ जाता है, फ्रैक्चर जुड़ने के बाद में यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाएँ। तो फ्रेंड, इस तरह के यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, तो इन सभी कमेंट्सों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा, आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की ऑर्थोपेडिक वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो जो कि हमारी ऑथेंटिक होती है, रिसर्चफुल वीडियो होती है, जो कि हमेशा आपको मिलती हुई रहेगी। शुरू करते हैं हिप जॉइंट के फ्रैक्चर के बारे में। फ्रेंड, उससे पहले हम बात करेंगे हमारा हिप जॉइंट क्या होता है। हिप जॉइंट होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी यहाँ पर जब बॉल होती है हमारी हेड ऑफ फीमर, यानी जो हमारी जांघ की जो हड्डी होती है उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर हेड, जो कि गेंदनुमा आकृति का होता है। तो वो तो हो चुके हैं हमारे बॉल। उसके बाद हम बात करें सॉकेट हमारी जो पेल्विक बोन होती है उसका एस्टाबुलम पार्ट को हमने बोला वहाँ पर सॉकेट। तो इस तरह से बॉल एंड सॉकेट मिलकर यहाँ पर हिप जॉइंट का निर्माण करते हैं, जिसे आप डायग्राम यानी पिक्चर में आप देख सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ हम बात करें फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर, यानी फीमर बोन की हमारी नेक, यानी हेड, जो जैसे हम बात करते हैं हेड के निचले वाला हिस्सा होता है हमारा नेक, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बनती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो नेक में फ्रैक्चर होते हैं वो किस किस तरह के फ्रैक्चर होते हैं और यहाँ पर कौन कौन से प्रोसीजर का यूज़ किया जाए जिससे आपकी हड्डी पहले जैसे जुड़ जाए। अब फ्रेंड, बात करें यहाँ पर फ्रैक्चर कैसे होता है। तो फ्रेंड, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी आपके डायरेक्ट इंजरी लगने की वजह से आपको यहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा बाजू में स्लिप खाने की वजह से आपको फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा जिनकी ऑस्टियोपोरेटिक बोन होती है तो उनको भी ज़्यादातर इस तरह के फ्रैक्चर होने की संभावनाएँ बनती है। अब फ्रेंड, यहाँ पर जैसे नेक ऑफ फीमर, यानी जो हमारा हेड होता है, हेड के निचले वाले हिस्से को हमने बोला नेक, तो यहाँ पर किस किस तरह से फ्रैक्चर होगा। तो यहाँ पर दो तरह से आपको फ्रैक्चर हो सकता है, एक तो होता है इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर हो सकता है और एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर हो सकता है। इंट्रा कैप्सुलर यानी हमारी नेक के जो नेक होती है उसको हम बोलेंगे इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर, और उसके अलावा जो नेक से नीचे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर, यानी इसे ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर के भी नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड, जैसे कि फ्रैक्चर हो चुका है, एक्सरे में साफ पता चल गया भाई आपको फ्रैक्चर हो चुका है, तो फ्रैक्चर होने पर वहाँ पर जो फ्रैक्चर का जो पैटर्न होता है उसके आधार पर यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन तैयार हो जाते हैं, जैसे कि एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारी बोन की स्ट्रक्चर होती है उसकी एनाटॉमी डिस्टर्ब होने जो हुई है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्लासिफिकेशन तैयार हो जाता है एनाटॉमिकल। उसके अलावा यहाँ पर गार्डन क्लासिफिकेशन भी बनता है, उसके अलावा यहाँ पर पोवेल क्लासिफिकेशन भी होता है, जो कि अलग अलग जैसे कि हम साइंटिस्ट बोलते हैं या फिर डॉक्टर बोलते हैं उन्होंने इनके नाम दिए हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन आधार पर आपका ट्रीटमेंट बनता है रेडियोलॉजिकली, यानी आपके एक्सरे देखकर उस क्लासिफिकेशन का पता चलता है भाई ये किस तरह का क्लासिफिकेशन है और इसमें यहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो कि आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन का डिसीजन होता है। अब यहाँ पर जैसे कि रेडियोलॉजिकली आपका क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कि DHS प्लेट या DHS स्क्रू हम बोल सकते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर फिक्स विद कैंसिलर स्क्रू, यानी कुछ कैंसिलर स्क्रू लगा के भी यहाँ पर आपके जो नेक का जो फ्रैक्चर होता है उसे जोड़ा जाता है। फ्रेंड, ये तो सर जैसे कि कुछ प्रोसीजर जिसमें आपकी हड्डी का लगभग जुड़ना पाया जाता है। फ्रेंड, उसके अलावा जैसे कि आपकी बोन का नॉन यूनियन यानी हड्डी का नहीं जुड़ना पाया जाए या फिर वहाँ पर एवियन अवेस्कुलर नेक्रोसिस वाली संभावनाएं बनती है, तो यहाँ पर हेमी ऑर्थोप्लास्टी यानी हेमी रिप्लेसमेंट ऑर्थोप्लास्टी की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर मेयर प्रोसीजर का भी यूज़ किया जाता है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन का डिसीजन होगा उसकी ओल्ड कंडीशन पर, यहाँ पर जैसे कि हेमी ऑर्थोप्लास्टी की जाए या फिर मेयर प्रोसीजर किया जाए, जो कि पेशेंट की कंडीशन देख के वहाँ पर किया जाता है। अब फ्रेंड, यहाँ पर आपके लिए एक सवाल बनता है, सर जैसे कि हमें फ्रैक्चर हो चुका है, डॉक्टर ने हमें जैसे कि सर्जरी भी कर दी, अब ये हमारी हड्डी कितने दिन में जुड़ जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो आपके फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर आपका 6 to 8 वीक में जुड़ जाता है, जैसे कि आप
फोर एक बार या सिक्स एक बार आप डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर आपका चेक एक्सरे करवा लेते हैं, चेक एक्सरे करवाने पर बाद में वहाँ पर अच्छी मात्रा में कैलस दिखाई देता है, तो वो आपको फुल वर्ड बेयरिंग स्टार्ट करवा देते हैं कि भाई आप चलना फिरना स्टार्ट करें। अगर वहाँ पर थोड़ा सा जैसे कैल्शियम कैलस फॉर्मेशन कम पाया जा रहा तो आपको पार्शल वेट बेयरिंग यानी आधा वेट डालकर आपको चलने को एडवाइस किया जाता है। अब फ्रेंड जैसे कि आपका फ्रैक्चर जुड़ चुका है, आपको चलने के लिए बोल दिया गया, अब यहाँ पर आप लोगों के सवाल होते हैं कि सर हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि आपका नी बेंड होने में आपको प्रॉब्लम बनेगी, उसके अलावा आपकी मसल वीकनेस हो जाती है, तो यहाँ पर आप नी बेंडिंग एक्सरसाइज, क्वाडिसेप्स एक्सरसाइज, उसके अलावा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, उसके अलावा जो आपका हिप जॉइंट है उसका एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन होना भी जरूरी है, नहीं तो आपको जैसे कि आल की पाल की लगाने में दिक्कत होती है, तो इस तरह के कई बाद में कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। तो फ्रेंड इस एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं वीडियो के एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड यह तो था हमारा हिप जॉइंट फ्रैक्चर के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए हेल्दी से हेल्दी वीडियो बना सकें। अगर फ्रेंड आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, जिसकी आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिन्हें हमारे असिस्टेंट देखते हैं, उसी के बाद आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।